वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा ये है कि यदि टू कॉस एक्स प्लस सेक एक्स माइनस टू रूट टू जीरो है तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है या थीटा का वैल्यू निकालना है। जनरली थीटा लिखा रहता है बट मैं एक्स लिख के कर रहा हूँ। सो एक ही बात दोनों हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसे हम लोग? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू कॉस एक्स है तो इसको हम लोग पहले वन बाई सेक एक्स को वन बाई कॉस एक्स में बदल लेंगे क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे अगर तो नीचे कितना आएगा कॉस एक्स, ऊपर आ गया ये आ गया टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों कुछ नहीं नीचे वन तो वन से कटा कॉस एक्स टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे टू को, यहाँ सिर्फ वन, यहाँ भी कुछ नहीं है तो वन टू रूट टू कॉस एक्स बन गया इक्वल टू ज़ीरो। अभी जाके इधर जीरो बन जाएगा तो इसका काम ख़त्म। अब इसे हम सजा के लिखेंगे तो ये आ गया टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको पहले लिख लेते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग अभी आप समझिएगा। और ये आ गया प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए ये टू क्या लिख सकते हैं, रूट टू का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर ये कॉस एक्स का स्क्वायर है तो इसको रूट टू कॉस एक्स का स्क्वायर हम भी हम लोग लिख सकते हैं। इस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर, और ये माइनस है तो टू इंटू रूट टू कॉस एक्स इंटू वन लिख सकते हैं, ये टू रूट टू कॉस एक्स ही आएगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, रूट टू कॉस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो कितना आ गया, रूट टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या लिख सकते हैं, रूट टू कॉस एक्स इक्वल टू वन, कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई रूट टू। तो वन बाई रूट टू कॉस में कब आता है, 45 डिग्री में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री ये हो गया कॉस एक्स। तो एक्स कितना आ गया मेरा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसका एक और तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ है एंगल के जो वैल्यूज़ है, एक्चुअली ऑप्शंस में आपको दी हुए थे 30, 15, 60, 45, ठीक है, तो आप इसको बिठा के चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा जिस एंगल को भी बिठाइएगा आप, जिसमें भी बिठाने के बाद अगर ये ज़ीरो आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर सॉल्व करना है तो देख लीजिए एक बार। तो कॉस 45 बिठाते हैं तो कॉस 45 कितना आएगा, 1 बाई रूट टू, तो ये हो गया 2 बाई रूट टू प्लस सेक 45 मीन्स सिर्फ रूट टू होता है और ये माइनस 2 रूट टू था, रूट टू से ये कटेगा रूट टू बार में, क्यों क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। तो ये रूट टू रूट टू कितना आ गया, 2 रूट टू माइनस 2 रूट टू कट के जीरो, तो 45 के लिए ये सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे सिचुएशन में। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं इन चैनल के बारे में जहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं हर दिन पे। सो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।